शुभदेव बच्चों, आप लोगों को परमिशन पार्ट से पढ़ाया गया है। इसमें कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी ने क्या है वो भगवान और भक्त के बीच में संबंध के बारे में बताया गया है। भगवान कहाँ रहता है और भक्त क्या उनके तलाश में क्या क्या करता है उसके बारे में। अब इसमें क्या है, कवि कुंजन या वन में किसे ढूंढता है वो। कवि कुंजन या वन में इस सृष्टि के निर्माण करने वाला सृष्टिकर्ता को ढूंढता है। यानी ये तो सृष्टिकर्ता बोले तो हम सब लोगों का निर्माण किसने किया है, वही भगवान को। ईश्वर दुखियों के द्वार पर क्यों रहता होगा, ईश्वर दुखियों के द्वार पर इसीलिए रहता होगा। कोई भी उनका भक्त आकर वो दिन दुखियों के दुख दूर करने के लिए प्रयास करते हो, वैसा मानकर उनके घर में या उनके द्वार पर रहता है। और जग की अनित्यता में आप क्या समझते हैं वो या क्या समझते हैं। जग का अनित्यता का मतलब क्या है, ये परिवर्तनशील है जग, एक ही समान तो नहीं रहता। इसका मतलब क्या है, संसार तो नश्वर है, ये शाश्वत नहीं है, परिवर्तन होना इसका स्वाभाविक है। और ईश्वर प्रकृति में कहाँ कहाँ व्याप्त है, ईश्वर प्रकृति में दीन दुखियों के दुख में और क्या है वो उनके आह में, आह का मतलब सांस में और आंसुओं में और क्या है वो सूरज की किरणों में और फूलों में हवा में, इन सभी जगहों में तो व्याप्त है ये ईश्वर। इसके बाद में क्या है वो कवि ईश्वर के किस प्रकार की प्रतिभा प्रदान करने के लिए वो उनके आंख में क्या है वो उनके विचार में भी वो ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कारण क्या है, वो भगवान सच्चे अपने प्रतिभा से ही सही को पहचानने की क्षमता प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सुख दुख में हमें कैसे रहना है, सुख दुख में हम लोग समान रहना है। कारण क्या है, सदा के लिए सुख भी अच्छा नहीं रहता और सदा के लिए दुख भी अच्छा नहीं रहता। सुख के बाद में दुख, दुख के बाद में सुख आए तो ही हम लोग सही ढंग से उसका महसूस तो करते हैं। इसीलिए हमारा जीवन कब वो मधुर बनता है, सुख दुख के लिए जीवन भरे तो ही उसी में हमारा जीवन परिपूर्ण होता है, ऐसा बताया गया है। अब आगे के क्या है ये, इसके तो भाव स्पष्ट कीजिए या अभ्यास पाठ तो आप लोग करना है। कवि भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढता है आप लोग लिखना है। पाठ के आधार पर बताइए कि भगवान किस किस रूप में मिल सकते हैं, ये भी आप अपने आप लिखना। और नीचे क्या है ये गद्यांश पढ़ना और उसके प्रश्न उत्तर लिखना। और मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर, इसका भाव स्पष्ट करना। पहले भाव स्पष्ट करते समय क्या करना है, कवि परिचय लिखना। कवि परिचय होने के बाद इन पंक्तियों का भाव से संबंधित विषयों को लिखना है। ये पूरा कार्य आप लोग खुद करने का है बच्चों। और पांच छह पंक्तियों का उत्तर भी आप लोग खुद लिखना है। वो कवि ईश्वर के कुंज और वन में क्यों ढूंढता है और किरण सुमन पवन और आकाश में ईश्वर किस रूप में दर्शन किया जा सकते हैं, आप लोग खुद लिखना है ये पूरा। अब भाषा की बात के ओर तो जाएंगे। भाषा की बात में क्या बताया गया है वो व्याकरण नाम से। के बारे में बातचीत करेंगे। भाषा की बात में क्या है, इधर दीन दिया गया है। इधर दीन का मतलब क्या है, दुखी या गरीब, दुखी या गरीब। और भी बोल सकते हैं क्या है वो धर्म भी, दीन का मतलब धर्म भी आता है वो, यानी तो मजहब भी आता है वो उर्दू शब्द धर्म, ये इसमें क्या है वो मतलब ये आ सकते हैं वो। उसके बाद में क्या है वो विरक्त, विरक्त का क्या है वो पर्यायवाची अनासक्त या उदासीन, अनासक्त उदासीन किन, अनासक्त उदासी और किन भी लिख सकते हैं। पर्याय बोले तो एक से ज्यादा अर्थ लिखना है। उसके बाद में क्या दिया गया है, बेबस, बेबस बोले तो लाचार या मजबूर। एक एक बार क्या है हम लोगों को मजबूरी में काम करना पड़ता है ना, ऐसा है मजबूर होकर काम करना पड़ता है, लाचार होना ये भी उसमें आता है। और उसके बाद में क्या दिया है, वतन, वतन बोले तो जिस देश में हम रहते हैं वही हमारा वतन, भारत मेरा वतन है।
भारत हमारा वतन है, ऐसा भी आप लोग देश या राष्ट्र को वतन कहा जाता है। इसमें विलोम शब्द, विलोम शब्द में क्या है, अनित्यता, अनित्यता तो क्या है वो विलोम शब्द, नित्यता अनित्यता, मान अपमान, और समर्थ असमर्थ विलोम शब्द, ये वाक्यों में भी प्रयोग कीजिए आप लोग। और उसके बाद में क्या दिया गया है, वचन बदलकर, वचन बदल में क्या है वो, ये पूरे के पूरे एक वचन में कैसा आता है, बहुवचन में भी वही है। इसमें क्या है वो आंसू, आंसू का क्या है वो एक वचन बहुवचन में भी वही है। और आंसू बहाने से अच्छा है मेहमान मेहनत करके आंसू पोंछने वाला, और क्या है आंसू बहाने से अच्छा क्या है, मेहनत करके आंसे पोंछना ही सही है। और चमन, चमन में क्या है, चमन में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, चमन का मतलब बाग है बच्चों, चमन में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। और उसके बाद में क्या दिया, दुख, एक वचन बहुवचन में दुखी है, दुख के लिए क्या है, दुख के बाद में सुख आता है, ऐसा अनिवार्य नहीं है दुख के बाद में सुख आता है, बोलिए हम लोग दुखी में बिलक बिलक कर रोकना नहीं, उसके दूर करने के लिए प्रयास को करना है। उसके बाद में कथन, कथन के लिए क्या है, करो या मरो, ये गांधी जी का कथन है, करो या मरो, मीन्स अगर करके आप लोग उनको भगा देना नहीं है तो मरना है, करो या मरो ये कथन है गांधी जी का। उसके बाद में क्या दिया गया है, चरण, हमारे देश में बड़ों के चरण छूते हैं, हमारे ये क्या है वो संस्कृति में हमारी परंपरा है, बड़े लोगों को देखे तो जरूर उनके पांव छूना है, लेकिन आजकल फैशन के मारे हम लोग एक बार हाथ ऊपर करें तो बस हो गया, उनके में भी हमारे मन में कितनी श्रद्धा है। और उसके बाद में क्या दिया गया है, उचित उपसर्ग जोड़ना है, ईमान, ईमान के लिए उचित उपसर्ग क्या है, बेईमान, ईमान बेईमान, बे ज्यादा है तो बेईमान बन जाता है वो। और उसके बाद में क्या है वो उसके बाद में यश अपयश, यश अपयश, और उसके बाद में धीर, धीर के लिए क्या है अधीर, और ये पूरा है वो। उसके बाद में क्या दिया गया है, समास पहचानना है, और दीन बंधु, दीनों का बंधु, दीन बंधु का मतलब क्या है, दीनों का बंधु, कौन सा समाज है वो, दीनों का बंधु, तत्पुरुष समास नो। और उसके बाद में क्या है, अनित्यता, अनित्यता का मतलब क्या है, जो नित्य ना रहे, जो नित्य ना हो उसे अनित्यता कहा जाता, अव्ययी भाव समास, क्योंकि पहला शब्द अव्यय है, जब शब्द के साथ जुड़कर आने पर उसने अर्थ में परिवर्तन लाया उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। भला मानस क्या है, भला हो जो मानव या मन या मानव भी कह सकते हैं, ये कर्मधारय समास है, क्या है वो, तो कर्मधारय में उपमा या उपमेय वो आए तो क्या है वो, उसको कर्मधारय कहा जाता है, विशेषण या विशेष उपमा या उपमेय आए तो कर्मधारय समास का नियम है वो इसमें आया है, जो भला हो, भला हो जो मनुष्य। और उसके बाद में तीन आप लोग शब्द लिखना है, क्या लिखना है आप लोग, विसर्ग संधि का तीन शब्द लिखना, इसमें क्या है निर्मल दिया गया है, निर्मलेस बल निर्मल, उसके बाद में क्या है आप लोग ऐसा दुर्बलेस बल दुर्बल, निर्मलेश कपट निष्कपट, और निस्संतान निर्मल संतान निस्संतान, ऐसा आप लोग तीन शब्द, और तीन शब्द भी लिखो बच्चों, आप लोगों को ज्यादा लिखे तो कुछ नहीं होता है, आप लोग लिख सकते हैं। और नीचे दिया गया है क्या है वो, पाठ के आधार पर आप लोग ढूंढ कर लिखना है वो, आगम आगमन, आगमन बोले तो कोई भी कक्षा में कोई भी आया आगमन हो गया वो, इधर आगम का मतलब क्या है दुर्गम है, और ये इसमें कोष दो अलग अलग दिया गया है, एक कोष का मतलब क्या है भंडार, और एक क्या है कोष शब्द कोष डिक्शनरी, वैसा आप लोगों को थोड़ा अक्षर के अंतर में शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है, ऐसे विषयों को आप लोग ढूंढ कर पाठ में से लिखना है पांच पांच। उसके बाद में इधर नीचे दिया गया है क्या है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित शब्द पहचाने, उत्पत्ति में वतन क्या है वो विदेशी शब्द है, ये क्या है वो विदेशी शब्द है वतन, ये अरबी शब्द है बच्चों। उसके बाद में चमन, चमन ये भी विदेशी शब्द है लेकिन पारसी शब्द है,
ईमान, ईमान भी क्या है अरबी शब्दों में, और उसके बाद में इस्तेमाल, ये भी अरबी शब्द है। ये पूरा क्या है आप लोगों को विदेशी शब्द ही दिया गया है, एक शब्द तो क्या है वो फारसी है, तो बाकी का तीन क्या है वो अरबी शब्द है। वतन, ईमान, इस्तेमाल, ये तीनों क्या है अरबी शब्द है। यह है आपका पार्ट पूरा, अन्वेषण पार्ट तो आज तो खत्म हो गया बच्चों। अब आपका बारी है पार्ट का क्या है वो प्रश्न उत्तर लिखना और व्याकरण नाम से लिखना, ये पूरा है। धन्यवाद बच्चों।